हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग भाग एक में पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः दोहरा दे रहे हैं। इसमें देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो हिंदी होती है वह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो हिंदी होती है वह उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भाग एक में आपको बताया जा चुका है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं लेकिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण भाग एक में बताया जा चुका है। इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना चाहेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हिंदी इसका होता है असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है, यानी कैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो होते हैं लेकिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन, पुनः परिभाषा सुनिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध की इंग्लिश होती है डबल बॉन्ड और त्रिबंध की इंग्लिश होती है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे यौगिक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे
अंतरित हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एग्जाम्पल पहला है एल्कीन। एल्कीन में एल्कीन एल्कीन ग्रुप में जो है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है। एल्कीन का पहला यौगिक जो होता है वह है एथीन C2H4। इसको एथीन कहते हैं। इसका IUPAC नाम एथीन और साधारण नाम जो होता है एथिलीन होता है। एथीन की संरचना क्या होती है, कैसे हम निर्धारित करेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के परिभाषा अनुसार ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहला उदाहरण है इसका एल्कीन ग्रुप का जो पहला यौगिक होता है C2H4 एथीन। IUPAC नाम एथीन और साधारण नाम एथिलीन होता है। संरचना क्या होती है देखिए, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध। यहाँ देखेंगे कि कार्बन कार्बन दो कार्बन 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 के बीच जो है द्विबंध होता है और या कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध। लेकिन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाना अनिवार्य होता है। दूसरा उदाहरण है इसका C3H6। इसका नाम है प्रोपीन। साधारण नाम प्रोपीलीन होता है। और जो संरचना होती है इसका या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 CH CH। अब देखेंगे यहाँ जो प्रोपिलीन प्रोपिलीन या IUPAC नाम इसका प्रोपीन है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6 होता है। इसमें दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाया जाता है और शेष कार्बन के बीच एकल बंध। इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है इसलिए इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है। एक और उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण जो है IUPAC नाम ब्यूटीन होता है और साधारण नाम
संरचना होती है। लॉकडाउन में क्या या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 CH3। ये देखिए दो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, शेष कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध है, सिंगल बंध। यहाँ कार्बन चार है, एक दो तीन चार हुए। हाइड्रोजन आठ है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। इस तरह से संरचना और अणु सूत्र समान है।